जनपद महाराजगंज के थाना क्षेत्र ब्रिजनमनगंज के गांव दुबोलिया खास में आम के बगीचे में रखवाली कर रहे एक युवक द्वारा आज सुबह लगभग 8 बजे गोली मारने के काले बंदर की मौत हो गई। गोलियों की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए ब्रिजनमनगंज पुलिस को सूचना दी। काले बंदर की मौत की खबर को सुनकर खुर्रमपुर वन टांगिया के वन दरोगा अनिल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। ब्रिजनमनगंज थाना अध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर मृतक बंदर को बगीचे से बाहर लाया गया। पुलिस की छानबीन में उसके पास से चिड़िया मारने वाला 2 गन बरामद हुए हैं। तो आप लोग कितने लोग? ये बंदर की सूचना मिली हमारे जो यहाँ क्षेत्र के हमारे जिला पंचायत सदस्य शर्मा जी के द्वारा सूचना मिली कि बहुत सारी इस तरह घटना हुई, एक बंदर को गोली मार दिया द्वारा। तो सूचना पाते ही हम तुरंत पहुंचे गए 10 मिनट के अंदर गोरखपुर चौकी से उच्च अधिकारी को सूचना दी। यहाँ लोगों से जनप्रतिनिधि से जानकारी मिली कि ऐसे महोदय दुर्गम घर जा रहे हैं, अधिकारी आई है के। हम लोग आप कौन है भैया, क्या है मामला यहाँ का? हम बबलू कुमार चौरसिया ग्राम सभा फुलमनहा दुबौलिया में एक व्यक्ति ने बंदर को गोली मार दिया, जिसकी सूचना मिलने पर हम लोग रेंजर साहब को फोन किए, थाना अध्यक्ष महोदय विनोद जी राय को फोन किए, मौके पर ये लोग पहुँचे, कुछ यहाँ जनप्रतिनिधि लोग पहुँचे, मामले को संज्ञान में लिया गया और माननीय थानाध्यक्ष विनोद कुमार राय जी ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करते हुए बंदर को अपने कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। बाकी कार्रवाई आगे जो भी होगा इनके द्वारा किया जाएगा। दुबौलिया खास का मामला है, शकील नाम का व्यक्ति है जो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को